नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयवीर और आप देख रहे हैं इनसेफ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 ट्रे के रोटरी रैक ओवन के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस ओवन में आप कितना माल पका सकते हैं, ये ओवन कौन कौन से फ्यूल में आपको अवेलेबल है, इस ओवन का दाम कितना है और कब आपको ये वाला ओवन लेना चाहिए और कब ये ओवन आपके बिल्कुल काम का नहीं है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर आपके काम आएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रोटरी रैक ओवन दूसरे रोटरी रैक ओवन की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। जहां दूसरे रोटरी रैक ओवन की हाइट लगभग 7.5 या 8 फुट होती है, इस ओवन की हाइट लगभग 5.5 फुट ही है। तो ये बाकी ओवन से बहुत ही छोटा होता है। तो दोस्तों, एक बात और बताना चाहेंगे कि ये ओवन जो अपना 44 ट्रे का ओवन है उसी बेस पे बनता है। तो मतलब जो इसकी ये चौड़ाई होती है और जो मेरे 44 ट्रे के ओवन की चौड़ाई होती है वो सेम होती है, और सिर्फ गहराई भी सेम होती है, सिर्फ ओवन की हाइट का फ़र्क होता है। जैसे हम आपको ट्रॉली दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो ये मेरी 44 ट्रे के ओवन की ट्रॉली है जो इस ओवन के अंदर बेकिंग के काम आती है। तो इसमें एक शेल्फ में 2 ट्रे लगती हैं और 12 शेल्फ हैं, तो टोटल इस तरह से 24 ट्रे लगती हैं। वहीं अगर 44 ट्रे के ओवन की बात करें तो उसकी ट्रॉली भी ऐसी ही होती है, बस उसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। तो उसी तरह से ये ओवन है, इस ओवन की सिर्फ हाइट कम है, बाकी इसका बेस, इसकी मोटर, इसका सब कुछ 44 ट्रे के ओवन जैसा ही है। इसका बर्नर भी सेम होता है, इसकी मोटर लगभग सारी सेम ही होती है, बस सिर्फ हाइट का फ़र्क होता है। इसी वजह से जो 24 ट्रे का ओवन होता है वो 44 ट्रे की तुलना में आधी कीमत पे नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा ही उसकी कीमत में फ़र्क आ पाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये ओवन कितना माल पका सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रस की, जो कि अधिकांश कस्टमर जो बेकरी स्टार्ट करते हैं वो सबसे पहले रस की स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रस इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। ब्रेड वगैरह को स्टार्ट करने में बहुत झंझट होता है, तो हमारे जो जितने भी कस्टमर बेकरी स्टार्ट करते हैं मोस्टली रस से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रस की बात करते हैं। तो अगर आप इस ओवन में 8 से 10 घंटे रस की बेकिंग करेंगे तो आप 100 से 125 किलो रस इस ओवन में एक दिन में बना पाएंगे। तो मतलब इसकी रस मेकिंग कैपेसिटी हम बोल सकते हैं कि 125 किलो पर शिफ्ट है, यानी एक शिफ्ट में आप 125 किलो तक रस इसमें बेक कर सकते हैं। ये हम पूरी बेकिंग की बात कर रहे हैं, मतलब आप रस की लादी यानी रस की ब्रेड भी बना लेंगे और उसकी फाइनल बेकिंग के बाद जो मेरा प्रोडक्ट निकलेगा तो उसकी एवरेज जो आएगी वो 125 किलो के आसपास एक दिन की, यानी कि एक शिफ्ट की आएगी। वहीं अगर हम ब्रेड की बात करें तो ब्रेड के अलग अलग साइज़ होते हैं। तो अगर आप छोटे साइज़ की ब्रेड बेक करेंगे इस ओवन में तो लगभग आप 300 किलो तक एक शिफ्ट में, यानी 8 से 10 घंटे में इस ओवन में बेक कर पाएंगे। वहीं अगर आप बड़े साइज़ की ब्रेड बेक करेंगे तो इस ओवन में आप लगभग 400 किलो तक ब्रेड बेक कर सकते हैं। वहीं जैसे मोस्टली अपने कस्टमर करते हैं वो मिक्स्ड आइटम बेक करते हैं कि रस भी बेक करना है, पैटीज़ भी बेक करनी है, फैन भी बेक करना है, तो हम मिक्स आइटम में इस ओवन की कैपेसिटी 100 से 125 किलो बताते हैं, क्योंकि मिक्स आइटम में बेक करने में मेरा ओवन फ्री रह जाता है। तो अगर आपको 100 से 125 किलो आइटम बेक करना है तो ये ओवन आपके लिए बिल्कुल काम का है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये ओवन खोल के दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये ओवन अंदर से कैसा होता है और बाहर से कैसा होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं। तो दोस्तों, इस ओवन के अंदर 24 ट्रे वाली ट्रॉली आती है, जैसे हम आपको ट्रॉली दिखा रहे हैं इस टाइप की 24 ट्रे की ट्रॉली इस ओवन के अंदर जाती है। और जैसे बाकी बेकरी ओवन में होता है उसी तरह का कंट्रोल सिस्टम इस ओवन में होता है। चाहे आप 10 ट्रे का रोटरी रैक ओवन ले या 198 ट्रे का रोटरी रैक ओवन ले, ये कंट्रोल सिस्टम में आपको सारी फीचर हर ओवन में मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप छोटा ओवन ले रहे हैं या कम ट्रे का ओवन ले रहे हैं तो उसमें कुछ फीचर गायब हो जाएंगे, आपको कंट्रोल पैनल बिल्कुल सेम मिलेगा। अब हम आपको ये ओवन साइड से भी दिखा देते हैं एक बार कि इसमें बर्नर और मोटर किस तरह से लगती है। तो आइए एक बार साइड से दिखाते हैं। तो दोस्तों, अब हम ओवन के साइड में आ गए हैं। साइड में भी ये ओवन बाकी ओवन की तरह ही होता है। जैसे ये हमने डीजल में ओवन बनाया हुआ है तो आप देख सकते हैं इसमें रेलो का बर्नर लगाया हुआ है, जैसे कि बाकी बड़े ओवन में लगता है उसी तरह का बर्नर इसमें लगा हुआ है। तो जो मेरे 16 ट्रे से लेके और जो मेरे 44 ट्रे के ओवन होते हैं उसमें सेम ही बर्नर लगता है, और उसी तरह के नीचे ब्लोअर की मोटर है। ये मोटर 44 ट्रे के ओवन से हल्की सी कम पावर की होती है, बाकी ये सब ओवन 44 ट्रे की तरह ही होता है, बस इसकी हाइट थोड़ी सी कम रह जाती है। 44 ट्रे का अगर ये ओवन होता तो इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती, मतलब 7.5 फुट, इससे लगभग ढाई फुट ज़्यादा हो जाती। तो दोस्तों, हमने बात कर ली कि इस ओवन में आप कितना माल पका सकते हैं, ये ओवन का साइज लगभग कितना होता है, डायमेंशन भी आप देख सकते हैं हमने इस ओवन के मेंशन किए हुए हैं। और अब हम बात करेंगे कि इस ओवन का दाम कितना होता है। तो दोस्तों, अगर आप 24 ट्रे का ओवन खरीदते हैं तो इसका दाम 2.5 लाख के आसपास होता है।
अलग अलग फ्यूल में इसका दाम अलग अलग होता है। और ये ओवन तीन तरह से बना सकते हैं, इसको आप डीजल डीजल के साथ या एलडीओ या केरोसिन से चला सकते हैं, दूसरा आप इसको एलपीजी या पीएनजी यानी पाइपलाइन वाली गैस में बनवा सकते हैं, तीसरा इस ओवन को आप फुल्ली इलेक्ट्रिक भी बनवा सकते हैं। हालांकि अगर आप फुल्ली इलेक्ट्रिक बनवाएंगे तो इस ओवन का लोड लगभग 25 किलोवाट होगा, जो कि आमतौर पर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हो पाता है। तो आप इस ओवन को सिर्फ तीन फ्यूल टाइप में बनवा सकते हैं, डीजल डीजल के साथ केरोसिन एलडीओ, उसके साथ एलपीजी एलपीजी के साथ आप पीएनजी, और तीसरा फुल्ली इलेक्ट्रिक। तो इस ओवन को हम जनरली वुडन में या वुडन पैलेट में नहीं बना सकते क्योंकि उसके लिए इस ओवन का आकार बहुत ही छोटा है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये ओवन आपको लगाना कब चाहिए, कब इतना छोटे ओवन की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। तो पहला सबसे पहला इसका यूज़ ये है कि आपकी एक दुकान है, उसी में आप बेक करके वहीं पर आप सेल करना चाह रहे हैं, वहीं से आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो उस टाइप के काम के लिए 16 और 24 ट्रे का ओवन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपको बड़े ओवन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका दिन में 50 से 100 किलो माल निकलना है तो ये ओवन आप बिल्कुल आंख बंद करके ले सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत 36 या 44 ट्रे के ओवन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है। तो इस ओवन को लेने में अगर आप ज़्यादा माल पकाना चाह रहे हैं या एक तरह की छोटी सी फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं तो इस तरह का ओवन लेने में कोई समझदारी नहीं है उस केस में। तो अगर आप किसी फैक्ट्री में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करते हैं इससे आप बड़े ओवन में जाइए। हालांकि अगर आप बहुत छोटे लेवल पे काम करना चाह रहे हैं और 50-100 किलो माल ही बेचना चाह रहे हैं या अपनी दुकान पे ही माल बेचना चाह रहे हैं, या अगर आपका कोई बेकरी की कोचिंग का कोई इंस्टीट्यूट है, आप कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं और बेकरी उद्योग के बारे में या बेकरी की रेसिपी अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो भी आप इस तरह का ओवन कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि 24 ट्रे के ओवन के साथ आपको कौन कौन सी और मशीनें लेनी पड़ेगी। तो आपको एक एक करके सारी मशीनें दिखाते हैं जिससे आप समझ पाएं कि पूरा सेटअप लगाने के लिए आपको कौन कौन सी मशीन 24 ट्रे के ओवन के साथ लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप केक का काम कर रहे हैं तो आप 20 लीटर से लेके 40 लीटर के बीच में अपनी जो आपकी प्रोडक्शन है उसके हिसाब से चूज कर सकते हैं। एक आपको लगेगा प्लानेटरी मिक्सर, प्लानेटरी मिक्सर में आप तीन काम कर सकते हैं, आप केक का बैटर बना सकते हैं, हल्की फुल्की डो नीडिंग कर सकते हैं, जैसे अगर आपको 12-15 किलो डो नीड करना हो तो इस वाले प्लानेटरी मिक्सर में कर सकते हैं, और इसमें आप क्रीम भी फेंट सकते हैं, तो ये मल्टीपर्पज होता है। और अगर आप 24 ट्रे का ओवन ले रहे हैं तो आप 20, 30 या 40 लीटर का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको केक ज्यादा बनाना है और मैदा का काम कम है और खमीर का काम कम है तो आप ये 40 लीटर का लेके इसी से अपने मैदा का काम चला सकते हैं, आपको अलग से कोई डो नीडिंग के इक्विपमेंट की जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि आपको ये चीज नोट करके रखनी है, अगर आप इसमें मैदा का काम ज्यादा करेंगे तो इसमें वियर एंड टीयर ज्यादा होंगे और इसकी लाइफ लिमिटेड हो जाएगी। वहीं इसमें जो डो नीडिंग होती है वो खमीर के आइटम के हिसाब से उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। हालांकि अगर आपका कारीगर बढ़िया हो तो कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। हालांकि अगर आप खमीर का आइटम बना ही रहे हैं तो आपको स्पाइरल मिक्सर लेना चाहिए। तो अगर आप 24 ट्रे का ओवन ले रहे हैं तो आपको स्पाइरल मिक्सर 20 से 30 किलो रेडी डो की कैपेसिटी का बहुत रहेगा। अगर आप 20 किलो रेडी डो की कैपेसिटी का चाइनीज स्पाइरल मिक्सर लेते हैं तो आपको 50 लीटर का स्पाइरल मिक्सर लेना पड़ेगा। वहीं अगर आपको भविष्य में अपना प्लांट बड़ा करने के सोच रहे हैं तो आप 30 किलो सूखी मैदा का भी स्पाइरल मिक्सर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगर आप खमीर के आइटम बना रहे हैं, जैसे ब्रेड बना रहे हैं या रस बना रहे हैं, तो आपको ब्रेड स्लाइसर भी चाहिएगा या रस स्लाइसर भी चाहिएगा। तो हम आपको एक बार रस स्लाइसर और ब्रेड स्लाइसर भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों ये जो आइटम है ये ब्रेड स्लाइसर है। अगर आपको सिर्फ ब्रेड का काम करना है या सिर्फ रस का काम करना है तो आपका एक स्लाइसर से काम चल जाएगा या सिंगल स्लाइसर से काम चल जाएगा, क्योंकि रस और ब्रेड की थिकनेस अलग होती है। ब्रेड आमतौर पर 9, 10 या 11 mm की होती है, वहीं रस कम से कम लोग 12 mm का बनाते हैं और रस की मोटाई 18 mm तक चलती है। तो अगर आपको दोनों एक साथ बनाने हैं तो आपको या तो दो कटर लेने पड़ेंगे या फिर आपको डबल कटर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो थिकनेस होती है, जो स्लाइस की थिकनेस होती है वो फिक्स्ड होती है, उसको आप वेरी नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि डबल स्लाइसर कैसा होता है। तो दोस्तों ये डबल स्लाइसर होता है, इसमें एक साइड आप रस की ब्रेड काट सकते हैं, मतलब एक साइड इसमें मोटी स्लाइस आएगी और एक साइड इसमें ब्रेड की स्लाइस आएगी यानी पतली स्लाइस आएगी। आप दोनों साइड अलग अलग कोई भी स्लाइस की थिकनेस चूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जनरली जो हम डबल स्लाइसर बनाते हैं वो एक साइड हम 10 mm रखते हैं और दूसरी साइड 12, 15, 16 या 18 mm रखते हैं। तो आप अपना चुनाव कर सकते हैं, हालांकि आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे आप दोनों साइड 12 रख सकते हैं या एक साइड 10, एक साइड 12 रख सकते हैं।
तो वो ये वाली कस्टमाइजेशन आपके ऊपर है, आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपके वहाँ कौन सी कितनी मोटाई की ब्रेड चल रही है। और दोस्तों अगर आप जंबो ब्रेड बना रहे हैं तो जंबो ब्रेड का साइज अलग होता है, तो उसके लिए एक स्पेशल स्लाइसर बनाना पड़ता है जिसको हम जंबो स्लाइसर बोलते हैं। और उसकी जो, क्योंकि जंबो ब्रेड की चौड़ाई नॉर्मल ब्रेड से ज़्यादा होती है इसलिए हमें उसके लिए, और ऊंचाई भी ज़्यादा होती है इसलिए उसके लिए स्पेशल स्लाइसर बनाना पड़ता है। हालांकि अगर आपकी जंबो ब्रेड की स्लाइस और आपके रस की थिकनेस सेम है तो आप सेम स्लाइसर से अपने रस का और जंबो ब्रेड का काम कर सकते हैं, या अगर आपकी ब्रेड की और जंबो ब्रेड की स्लाइस की थिकनेस सेम है तो आप सेम स्लाइसर से नॉर्मल ब्रेड और जंबो ब्रेड का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ कस्टमर और भी चीज़ें लेते हैं, जैसे अगर आप ब्रेड बनाते हैं या रस बनाते हैं तो उसको स्लाइस करने से पहले हमें ठंडा करना होता है और ठंडा करने का पीरियड लंबा होता है। आमतौर पे छोटी बेकरी में ठंडा करने के लिए किसी उपकरण का या किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप जो अपनी ब्रेड है या जो रस की लादी है उसको रैक्स में रख देते हैं। तो आपको इस तरह के रैक्स भी चाहिए और प्रिपरेशन करने के लिए आपको स्टील की या आपको दूसरे या जैसे कि किसी पत्थर की टेबल बनवा सकते हैं, तो इन टेबल्स की भी अपने सेटअप में रिक्वायरमेंट होती है। ये टेबल आमतौर पे कहीं भी अरेंज हो जाती है, अगर आपके पास अरेंज नहीं होती है तो हम भी ये टेबल स्टील में या ग्रेनाइट में बना सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप खमीर का काम कर रहे हैं, ब्रेड रस पाव का काम कर रहे हैं, तो आपको प्रूफर की भी आवश्यकता होती है। हालांकि 99% लोग प्रूफर नहीं लेते हैं, जो छोटी बेकरी का सेटअप होता है वो प्रूफर नहीं लेते हैं। प्रूफर लगाने का फायदा क्या होता है कि जो आपकी ब्रेड प्रूफर में जाएगी वो एक फिक्स टाइम के बाद प्रूफ होके बेक होने के लिए रेडी हो जाएगी, तो प्रूफर लेने से आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। हालांकि लोग पैसा बचाने के लिए, और कारीगर को भी प्रूफर इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता है तो लोग आमतौर पर प्रूफर नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी बेकिंग करनी है और फॉर्मूले से चलना है तो प्रूफर लेना थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों हमने बताया कि इस ओवन में आप कितना माल पका सकते हैं, इसकी कीमत लगभग कितनी होती है, कब आपको ये ओवन लेना चाहिए। तो आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको काम की लगी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आप बेकरी बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या रेस्टोरेंट बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं या किसी भी तरह के फूड बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हम समय समय पर इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। वहीं अगर आप बेकरी सेटअप में इंटरेस्टेड हैं और आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमें एक लाइक भी दे सकते हैं जिससे बाकी लोगों के पास भी ये वाला वीडियो पहुंचे। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों 44 ट्रे के ओवन के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके पूरी जानकारी 44 ट्रे के ओवन के बारे में प्राप्त कर सकते हैं।